ये जो मोनू है वो आपके सिर पे अभी नेक्स्ट टाइम होगा, मैं ओवरऑल से दुआ करता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि एक दो महीने आगे खिसक सकता है, और ये उन स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है जो उनकी तैयारी अच्छे से नहीं है, और उनके लिए दुख की खबर है जो तैयारी वो करके बैठेंगे, जैसे वैकेंसी आएंगे फोड़ देंगे और पेपर निकाल देंगे। दोस्तों आपको यदि ऐसा मोनो चाहिए, ऐसी वर्दी चाहिए, तो बस बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हर वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई दोस्तों ये सब हो क्यों रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो ये इसका सीधा सीधा दोस्तों यही है कि हमारे जो जो मैं स्पष्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो भर्ती कराने वाले हैं वो भर्ती कराना नहीं चाहते, या फिर पहला नहीं तो ये कराना नहीं चाहते। दूसरा ये नहीं है दोस्तों कि जो ओबीसी का चल रहा है कोर्ट में उसका भी कुछ मैटर बन सकता है, उस चक्कर में वैकेंसी बहुत सारी कोई वैकेंसी फाइनल हो जाएगा। या पेपर में भी आई थी कि आप तक 40% ओबीसी आरक्षण देने के बाद भर्ती करा सकते हो, बाकी बात अगर 70% कर दिया जाता है तो बाकी के जो वेटिंग लिस्ट है वो भी खोल दी जाएगी, तो ऐसे करा सकते हैं। तो साथ ही नोटिफिकेशन लेट हो गया है, और अभी भी देखिए अभी भी 30 तारीख में 2 दिन है, मैं इन 2 दिन की मान सकता हूँ कि हो सकता है 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाए। नहीं आएगा तो दोस्तों आपका नवंबर में पेपर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आपका पेपर दिसंबर या जनवरी के समथिंग होने होएगा। उसके लिए मेरे एक ब्लॉग चैनल जिसका नाम सुनील कुशवाहा ब्लॉग है, आप उसको सर्च करिए आपको मिल जाएगा। और बस यही है कि स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद मैं इग्नोर कर देते हैं, फिर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता और आप फिर इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आप मिस कर देते हो। तो बस सब्सक्राइब तो कर दीजिए भाई, कर दिया ना सब्सक्राइब, नहीं करोगे तो मैं नहीं जाने वाला। और बाकी का ये जो मोनू है वो आपके सिर पे भी नेक्स्ट टाइम होगा, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, और जितना होगा मैं मदद करूँगा आपकी, और आप स्टडी करते रहिएगा।